सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति स्वरूप के बारे में, जो है माँ चंद्रघंटा। जी हाँ, चंद्रघंटा जो है वो माँ का जो स्वरूप है, अगर ये माँ का जो ये स्वरूप होता है, ये मणिपुर चक्र को रिप्रेजेंट करती है माता। और माता के स्वरूप में आपने देखा होगा चंद्रघंटा का स्वरूप जो है वो माता आदिशक्ति। अगर आप अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो लोग इस दिन साधना करते हैं ना, तो उनके साथ में एक बड़ी अजीब सी चीज होती है। वो जब साधना करते हैं, साधक जो इस शक्ति को पहचानता है और उसके साथ में क्या होता है, उसको ध्वनियों की आवाजें आती हैं। जब हम इस साधना को करने के लिए बैठते हैं तो मणिपुर चक्र हमारा जो है जागृत होता है, हमें ध्वनियों की आवाजें आती हैं और सुगंध की सुगंध हमें आती है, इत्र की सुगंध आती है। अगर आप अच्छी तरीके से साधना करते हैं आज के दिन, अगर ये सुगंध और ध्वनि की आवाज आती है, तो समझ जाइए कि माँ आपके आस पास है। तो आप साधना कीजिए इस दिन और माँ का जो है आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा होगी। और आज के दिन आपने क्या भोग लगाना है और किस फूल की माला चढ़ानी है, आज आपने सफेद रंग के फूलों की माला, माँ चंद्रघंटा यानी कि देवी का स्वरूप होती है, माँ दुर्गा का स्वरूप है चंद्रघंटा, माँ दुर्गा को चढ़ाकर आइए सफेद रंग की माला। और माँ का दर्शन यानी कि माँ दुर्गा को आप आज माँ चंद्रघंटा का रूप मानकर उनको जाके चढ़ा के आइए, क्योंकि यहाँ हर जगह पर माँ ब्रह्मचारिणी की, माँ शैलपुत्री की, माँ उनकी जो है मूर्तियां नहीं मिलती हैं। तो क्या करना है आपने आज के दिन, आपने जो है आपने माँ को भोग क्या लगाना है आज के दिन, आपने लगाना है भोग सफेद खीर और सफेद रंग के आपने मखाने का भोग लगा सकते हैं माँ को, एक डिस्पोजेबल में लेके जाइए खीर और मखाने, सफेद बर्फी भी लगा सकते हैं। और आज के दिन आपने एक जो गाय के लिए हमने उपाय कर रहे हैं, आप एक रोटी लीजिए और उस पर आप खीर लगाइए और उस पर एक बर्फी का पीस रखिए, उस पर एक मखाना रखिए और वो लपेट कर रोटी को गाय को खिलाकर आ जाइए। उसके बाद देखेंगे कि जीवन में चमत्कार और माँ की अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति किस प्रकार से आपको होती है। और किसी गरीब को भोजन जरूर करवाइए, क्योंकि देखिए कन्याओं को आप आज के दिन खीर जरूर बांटिए, छोटी छोटी कन्याओं को खीर दीजिए, छोटी छोटी कन्याओं को पैसे दीजिए, छोटी छोटी कन्याओं को स्टेशनरी का सामान दीजिए, तो बच्चे खुश तो माँ खुश, क्योंकि माँ जो है वो कन्या के रूप में ही आती है, दुखों का नाश करती है और आपको परम आनंद की प्राप्ति करवाती है माँ चंद्रघंटा। आज के दिन आप छोटी सी इत्र की शीशी भी माँ के चरणों में चढ़ा के आ सकते हैं। जो लोग मंदिर में जाकर ये उपाय करेंगे वो मंदिर में कीजिए, जो लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं वो अपने घर में बैठकर या अपने घर में दरबार के आगे, अपने जो मंदिर के आगे आप ये सामान सारा चढ़ाए, उसके बाद प्रसाद के रूप में अपने परिवार के साथ में मिलकर जुलकर खा ले, लेकिन किसी गरीब को देना मत भूलिएगा, क्योंकि गरीब तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। और मुझके मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए, कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे जुड़ना ना भूलें। राधे राधे। आप गुरुदेव संजीव व साक्षी ठाकुर से पर्सनली एंड टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का फुल एनालाइजेशन करवा सकते हैं, आपको मिलेगी 1 ईयर रेमेडीज फ्री।